और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में उद्यान विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूह को मधुमक्खी पालन से जोड़कर उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे अब ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के साथ साथ उनकी आमदनी में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले में रामचंद्रपुर विकास खंड के तामेश्वर नगर आदर्श गोठान की, जहां पर गांव की बेरोजगार महिलाओं को NRLM के तहत समूह बनाकर उनको उद्यान विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से जोड़कर महिलाओं से मधुमक्खी पालन का कार्य करवाया जा रहा है, जिससे अब गांव की बेरोजगार महिलाओं के पास खुद का रोजगार हो गया है। हम लोग पहले घर में बैठे रहते थे, तो जैसे हमारे गाँव में जब गोठान हुआ तो गोठान में आके हम लोग का मतलब बहुत काम नहीं मिला, तो फिर काम मिलने के बाद मधुमक्खी पालन के बारे में हम लोग को बताया गया है कि मधुमक्खी पालन के बारे में बताया, ट्रेनिंग दिया गया है, तो हमारे सदस्य सबको बोले कि ठीक है मधुमक्खी पालन करते हैं। जैसे हम लोग बेरोजगार बैठे थे घर में, जब से गोठान बना है तब से गोठान में कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं, फिर मधुमक्खी पालन के बारे में पता चला तो मधुमक्खी पालन में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, फिर उसमें शहद निकल रहे हैं, शहद निकल के जैसे बाजार में बेचना है, बेच के जो जो मतलब पैसा इनकम होगा उससे घर में भी काम चल जाएगा, बच्चे लोग को पढ़ाना है। मिशन नगर गोठान में हम लोग को मधुमक्खी दिया गया है, उद्यान विभाग से हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया है, हम देने से हम लोग को इसके फ्रंट पे जाते हैं और देखभाल भी करते हैं। मधुमक्खी से लाभ होगा, मोम बनेंगे, फिर उसमें से मधुमक्खी फूल पर भी जाएंगे, पराग भी मिलेंगे, और मधुमक्खी से मतलब मधुमक्खी जैसे 15 से 20 दिन के अंदर हम लोगों को रस मिलेंगे, उससे हम लोग शहद बेचेंगे। गोठान में काम कर रही समूह की महिलाओं ने बताया कि पहले उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं थे, लेकिन गांव में सरकार द्वारा गोठान का निर्माण करवाया गया तो महिलाओं ने NRLM के तहत अपना समूह बनाकर रोजगार कर रही हैं। इन महिलाओं को उद्यान विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देकर उनको अनुदान के रूप में मधुमक्खी पालन का पूरा सेट और साथ ही शहद निकालने की मशीन भी दी गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को अनुदान प्रदान किया गया है। इस अनुदान में महिलाओं को मधु निष्कासन यंत्र, मधुमक्खी पेटी, कैप, ग्लव्स प्रदान किए गए हैं। यहाँ महिलाएं प्रत्येक दिन आती हैं और पेटी के साथ अपना कार्य करती हैं, और जब छत्ते में मधु शहद जमा हो जाते हैं तो उन्हें निष्कासित करके लोकल मार्केट में विक्रय करती हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त करती हैं। महिला समूह द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर जहाँ अपनी आय को दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं समूह की महिलाओं ने ये भी बताया कि गोठान के अंतर्गत मधुमक्खी पालन से मिलने वाली आमदनी से वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा पाएंगी। शैलेंद्र सिंह के साथ मनोज सोनोने की रिपोर्ट, DD News, रायपुर।